एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक और छोटा सा केस डिस्कस करेंगे। मेरे पास 7 साल का एक लड़का अपने मदर के साथ बेड वेटिंग की प्रॉब्लम के लिए आया। वो रात को उसको उसके मदर की ये कंप्लेंट थी कि चाहे इसको उठा के भी वॉशरूम ले जाओ, लेकिन फिर भी ये बिस्तर गीला रोज ही करता है। उसमें गर्मी सर्दी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डेली उनकी कंप्लेंट थी कि ये बिस्तर गीला कर ही देता है। जब मैंने उसके उस बच्चे को उसका नाम पूछा तो वो बहुत ज़्यादा शाई महसूस कर रहा था, तो उसके मदर ने ही मुझे उसका नाम और एज के बारे में बताया। और वो ना अपनी मदर को ऐसे ऐसे जैसे बाजू होती है ना, ऐसे पकड़ के अपनी मदर को मेरे सामने बैठा हुआ था। टू मेक हिम कम्फर्टेबल तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो उसने कोई आंसर नहीं दिया। तो उसकी मदर ने ही मुझे बताया कि बाहर भी कम ही खेलने जाता है और इसके दोस्त भी बहुत कम हैं। हमारे घर में भी कोई रिलेटिव के बच्चे आ जाएं तो जल्दी मिक्सअप नहीं होता। तो मैंने उसकी नेचर के बारे में उनके उसके मदर से पूछा कि स्वभाव का कैसा है, तो उसके मदर ने मुझे बताया कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और जब भी गुस्सा आता है ना तो गुस्से में ऐसे ऐसे दांत भींचता है, ये इतना इसे गुस्सा आता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से और उसकी सारी बात सुनने के बाद हमने उसे बेड वेटिंग के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। प्लीज़ एनालाइज द केस। फर्स्ट टू रूब्रिक्स विच वर ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक्स इन दिस केस, द फर्स्ट वॉज टिमिडिटी चिल्ड्रन इन, एंड द सेकेंड रूब्रिक वॉज क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन, चाइल्ड क्लिंग्स द मदर। और जो थर्ड रूब्रिक यहाँ पर हमने कंसिडर किया, टिमिडिटी चिल्ड्रन इन, चिल्ड्रन टूवर्ड्स अदर, अदरवाइज बच्चे बड़ों के सामने हमने देखा है बहुत मोस्टली शाई होते हैं, लेकिन ये बच्चा बच्चों के साथ भी शाई था और ना तो खेलने जाता था, और अगर बच्चा इसके घर भी आता है तो भी उनके साथ मिक्सअप नहीं होता था। और फोर्थ रूब्रिक जो मैंने इस केस में कंसिडर किया, दैट वॉज अंडर द चैप्टर टीथ ग्राइंडिंग, टीथ ग्राइंडिंग मेनिएकल रेंच ड्यूरिंग। तो हमने उसे पहले फॉस्फोरस 30 के 3 डोज दिए और आफ्टर 1 मंथ उसे फॉस्फोरस 200 प्रिस्क्राइब की गई। थैंक यू एवरीवन।